गुड आफ्टरनून सभी साथियों को। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ क्वेश्चन जो कि प्रेपोजिशन से रिलेटेड हैं। तो स्टार्ट करेंगे वीडियो को। उत्तराखंड एलटी के एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए ये वीडियो बनाई जा रही है। तो उत्तराखंड एलटी के जितने भी हमारे साथी हैं तो उनके लिए वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल होगी, ठीक है। तो शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा अगर वीडियो पसंद आती है तो, ठीक है। पहले नंबर का क्वेश्चन है सी लिव्ड .. प्रीत विहार कॉलोनी। तो प्रीत विहार कॉलोनी में वो रहती थी, ठीक है। तो पहले तो हम इसमें अगर बात करें तो टेंस को आइडेंटिफाई कर लेते हैं क्योंकि टेंसेज से रिलेटेड भी है और जहाँ कहीं पे भी वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। देखिए ये मेथड होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। पास्ट इंडेफिनिट का मेथड है ये, सिंपल पास्ट का, ठीक है। और नेगेटिव में जब इसकी हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो डिड नॉट जहाँ पे आपको दिखेगा तो डिड नॉट के साथ सेकंड फॉर्म का नहीं बल्कि फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है। ये तो आपको पता होगा बेसिक से उसमें, ठीक। तो पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है और सी लिव्ड वो रहती थी कहाँ पर, प्रीत विहार कॉलोनी। प्रीत विहार कॉलोनी की बात चल रही है तो इसमें प्रेपोजिशन क्या आएगा, इन आएगा, एट आएगा, इनटू आएगा कि ऑन आएगा। चार ऑप्शन हमारे पास हैं तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एट हो जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्यों होगा एट, क्योंकि जब बात होती है टाउन की, ठीक है, छोटे जैसे कस्बे होते हैं या कॉलोनीज वगैरह होती हैं तो उनके लिए किसका यूज़ करते हैं, एट का यूज़ करते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास है सी गोज़ टू स्कूल। सी गोज़ टू दी स्कूल, अभी वो स्कूल जाती है, वो स्कूल जाती है। टेंस पहचाने तो टेंस क्या है, देखिए एस या ई एस जहाँ आपको मिल जाए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में तो वो सिंपल प्रेजेंट होगा। जहाँ पे भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस मिल जाए या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए, सीधे सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए, ठीक है। सब्जेक्ट दिया हो उसके बाद या तो फिफ्थ फॉर्म इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लग जाए तो इसको फिफ्थ फॉर्म बोलते हैं, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिख जाए ये कौन सा होगा, सिंपल प्रेजेंट का होगा। फिफ्थ फॉर्म यानी कि एस या ई एस फॉर्म किसके साथ यूज होती है, जब सब्जेक्ट हमारे पास सिंगुलर हो। सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं, ही सी इट एनी नेम के साथ, ठीक है। और प्लुरल सब्जेक्ट क्या होते हैं, आई बी यू दे, इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट है सी है तो इसमें गो जा रहा है, और प्लुरल होता है तो आई गो होता है, ठीक है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। और बात करें प्रपोजिशन की तो सी गोज़ टू दी स्कूल, स्कूल जाती हो किससे जाती है, बाई बस, फॉर बस, इन बस या एट बस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी गोज़ टू दी स्कूल बाई बस, ठीक है। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, आप देख सकते हैं डिवाइड दीज, यानी कि बांटने की बात चल रही है, इनको बांट दीजिए कहने का मतलब है, दीज पेपर्स, इन पेपर्स को, हिम एंड यू, उसमें और अपने आप में, दोनों में बांट दीजिए कहने का मतलब है। तो डिवाइड दीज पेपर्स, जब दो की बात हो तो क्या यूज होता है, दो के लिए अगर बात करें तो बिटवीन का यूज होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड का। और दो से ज़्यादा अगर हो तो फिर क्या यूज करते हैं, अमंग का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्या कहता है, माय ब्रदर वर्क्स, मेरा भाई काम करता है। देखिए ये वर्क जो है नाउन और वर्ब दोनों की तरह यूज करता है। आप देखिए सेंटेंस कैसे, आपने कहा आई डू माय वर्क, सेंटेंस को ध्यान दीजिएगा, आई डू माई वर्क, ठीक है, आई डू माई वर्क बोला तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, और इसी सेंटेंस को बोलें आई वर्क, आपने कहा मैं काम करता हूँ तो आगे कुछ भी आपने ऑब्जेक्ट लगा दिया, तो सब्जेक्ट के बाद तुरंत आ रहा है तो सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, वर्ब, एस बी ओ करके पैटर्न होता है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो है या तो नाउन की तरह काम करता है या प्रोनाउन की तरह, और ऑब्जेक्ट का भी यही काम है, या सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट है या नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, ठीक। लेकिन बात करें यहाँ पर आई डू माई वर्क, देखिए सब्जेक्ट है, डू यहाँ पे वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म है, और आई डू व्हाट, मैं क्या करता हूँ, काम करता हूँ, ये ऑब्जेक्ट है। वर्क यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है, यानी कि नाउन के रूप में यूज हो रहा है, और ये नाउन है तो इसके बारे में बता रहा है, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है, ठीक है, माई। तो इसमें पूछा जा रहा है माई ब्रदर वर्क्स मुंबई, मुंबई में काम करता है, ठीक है, एट, इन, टू और फॉर। मुंबई की बात करें तो बड़े शहरों में काउंट होता है, ठीक है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, महानगर, यानी कि महानगर में काउंट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा इसके लिए, इन का यूज़ करेंगे। आपने पढ़ा होगा छोटे जगहों के लिए, छोटे स्थानों के लिए एट का, और बड़ी जगहों के लिए, बड़े महानगरों के लिए इनके लिए किसका यूज़ किया जाता है, इन का यूज़ किया जाता है, ये आपने भली भांति पढ़ा होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, डोंट गो देयर बिटवीन 8 AM एंड 9 AM। बिटवीन आ रहा है तो बिटवीन के साथ आपको, लेकिन यहाँ पे ध्यान देना है टाइमिंग की बात चल रही है। एक होता है जब कहीं भी आपको आता है यहाँ से ऐसे फ्रॉम टू, ठीक है, और ये बिटवीन आ रहा है, यहाँ पे बिटवीन आ रहा है और टाइम आपको बताना है, तो बिटवीन 8 AM एंड 9 AM आ जाएगा। एंड का यूज यहाँ पे होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। द जज क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर सिक्स, आप देखिए, द जज, सॉरी जग है, जज नहीं है, सॉरी क्या है, जग है, जज होता है ये, ठीक है, तो ये जग है। द जग वॉज एट द टेबल, जग जो है टेबल पर है। नो एरर, एरर है कि नहीं है इस क्वेश्चन में ये बताना है। जब कभी भी कोई चीज़ ओपन सरफेस की अगर बात होती है तो उसके लिए क्या यूज होता है, ऑन का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो है एरर है, कौन से पार्ट में है, पार्ट टू में एरर है। देखिए पार्ट टू है तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एट की जगह क्या होना चाहिए, ऑन का यूज होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर सेवन्थ क्या कहता है, योर फादर, थोड़ा सा आपको क्वेश्चन देखना पड़ेगा, मैं जूम कर लेता हूँ पहले क्वेश्चन को फिर ऑप्शंस इसके बाद रीड करेंगे। योर फादर इज़ नॉट सेटिस्फाइड, देखिए योर फादर है, ठीक, फादर नाउन है तो ये क्या हो गया, पजेसिव एडजेक्टिव, जैसे हमने बताया था, इज़ नॉट सेटिस्फाइड यहाँ तक भी करेक्ट है। बाई योर परफॉर्मेंस, आपके जो परफॉर्मेंस है, आपकी जो प्रदर्शन है, उससे आपके पिताजी खुश नहीं है, तो बाई योर होगा, सेटिस्फाइड बाई होता है कि क्या होता है, ये पूछा जा रहा है, एरर है कि नहीं है। अब देखिए एरर है इसमें, सेटिस्फाइड विद होगा, क्या होना चाहिए, सेटिस्फाइड विद होना चाहिए, तो एरर हमारा है इसमें। एरर कौन से पार्ट में है ये देख लें, तो एरर है हमारा पार्ट थर्ड में है, तो थर्ड किस में दे रखा है, सी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर एट्थ क्या कहता है, एट्थ नंबर का क्वेश्चन है, राज, राज पार्ट टू में है, जंप्ड इन द रिवर, राज ने क्या किया, जंप किया, कूद मारी, यानी कि किस में, नदी में छलांग लगाई, कहने का मतलब है। तो क्या होगा यहाँ पे, एरर होगा कि नहीं होगा ये पूछा जा रहा है, तो पार्ट वन में तो कोई एरर है नहीं, राज ने, ठीक है, जंप्ड इन और द रिवर, अब इसमें हमें बताना है एरर है कि नहीं है, एरर है इसमें बिल्कुल, और तो इसका अगर करेक्ट आंसर बताएं तो इसमें एरर कौन से पोर्शन में है, एरर है थर्ड पोर्शन पे, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट होगा, सॉरी सी ऑप्शन नहीं होगा, बी ऑप्शन होगा, जंप्ड इन ना होके क्या होगा, जंप्ड इन की जगह हो जाएगा जंप्ड इनटू होगा, जब मूवमेंट की बात आती है, जब गति की बात आती है तो इन नहीं इनटू का यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर नाइन्थ आपके सामने है, रजनी क्वेरल्ड, रजनी ने झगड़ा किया, क्वेरल किया, ठीक है, क्वेरल्ड झगड़ा किया, किसके साथ किया ये पूछा जा रहा है, तो क्वेरल्ड की स्पेलिंग भी थोड़ा सा यहाँ पे मेरे को मिस्टेक लग रही है स्पेलिंग में, डबल एल होना चाहिए, क्वेरल्ड होना चाहिए, ठीक है, क्यू यू ए डबल आर ई डबल एल ई डी होता है क्वेरल्ड, ठीक है, अब सही है, डबल एल होना चाहिए, रजनी क्वेरल्ड टू माई एल्डर ब्रदर, तो मेरे एल्डर ब्रदर से उसने झगड़ा किया, क्वेरल्ड, अब देखिए क्वेरल्ड के साथ क्या होता है, आपको फिक्स्ड प्रेपोजिशन आपने पढ़े होंगे, तो क्वेरल्ड टू होता है कि क्या होता है ये आपको देखना है पहले, इसमें अगर यहाँ पे करेक्ट है तब तो फिर उसके बाद दूसरे पोर्शन पे हम जाएंगे, और लेकिन बात कर रहे हैं तो क्वेरल्ड टू नहीं होता है, क्वेरल्ड विद होता है, किसके साथ झगड़ा किया, मेरे बड़े भाई के साथ, कहने का मतलब, तो एरर कौन से पार्ट में है, पार्ट नंबर टू में एरर है, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर टेंथ हमारा है, हिज मदर, ये देखिए ये जो आते हैं ना ये सब पजेसिव क्या है, एडजेक्टिव हैं, पजेसिव एडजेक्टिव हैं, हिज हो, हर हो, जैसे आपको देखिए आई का पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, माई, वी का क्या हो जाता है, आर होता है, ठीक है, दे का क्या हो जाएगा, दे का हो जाएगा दियर, और ऐसे ही यू अगर हो तो यू का क्या हो जाएगा, योर, ही का क्या हो जाएगा, ही है तो ही का हो जाएगा, हिज, सी है तो सी का क्या हो जाएगा, हर, इट अगर दिया है तो इट का क्या हो जाएगा, इट्स हो जाएगा। इनके बाद जो आता है, इनके बाद
क्या होगा? नाउन होगा, ठीक है। इनके बाद क्या होगा? नाउन होगा। ये आप ध्यान दीजिएगा, ये सब पजेसिव एडजेक्टिव हैं। और प्रोनाउन जब आते हैं तो उनके बाद नाउन नहीं आएगा, क्योंकि नाउन और प्रोनाउन एक साथ नहीं आ सकते। या तो सब्जेक्ट की तरीके से काम करेंगे या ऑब्जेक्ट की तरीके से। जैसे आई का पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? माइन होता है। ही का क्या होता है? हिज होता है। सी का हो जाएगा हर्स। इस टाइप से होते हैं, ठीक है। इसमें इस क्वेश्चन की अगर बात करें, हिज मदर, दूसरे वाले में है डाइड, तीसरा है बाई कैंसर, चौथा है नो एरर। तो एरर बताना है। अब देखिए, जब किसी की मृत्यु होती है किसी बीमारी से, तो डाइड बाई ना होके क्या हो जाएगा? डाइड ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यानी कि जो थर्ड हमारे पास, उसमें एरर है। तो थर्ड किस में है? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, डाइड ऑफ होगा। नेक्स्ट देखिए, 11 नंबर का क्वेश्चन है, ही हैज़ बीन गोइंग टू आगरा फॉर मंडे। तो आगरा जा रहा है, ही हैज़ बीन गोइंग। देखिए, जब कभी भी आपको हैज़ बीन, हैव बीन के साथ, हैज़ बीन, हैव बीन ये दिखे, तो इनके साथ अगर आईएनजी फॉर्म आ रही है वर्ब की, तो ये कौन सा टेंस होगा? परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस होगा। इसके साथ साथ समय रहेगा, समय के लिए सिंस या फॉर का यूज होता है, ठीक है। और यहीं पे अगर पास्ट में बात करें तो हैड बीन हो जाता है। फ्यूचर में क्या हो जाएगा? विल हैव बीन ऑब्लिक सेल हैव बीन का यूज होता है। विल ऑब्लिक सेल और हैव बीन तो रहेगा, ठीक है। विल हैव बीन ऑब्लिक सेल हैव बीन का यूज होता है। और परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस की बात करें तो फोर्थ फॉर्म का ही यूज होता है परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, जो लास्ट में हमारे पास होता है। और इसके अलावा टाइम के लिए यहाँ पे फिक्स, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का यूज होता है, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का यूज होता है। तो इसको हमने डिस्कस किया हुआ है। ग्रामर से रिलेटेड ऑलरेडी वीडियोज़ बनी हुई हैं, तो आपको उस प्लेलिस्ट पे विजिट करना पड़ेगा, ग्रामर से रिलेटेड जो है, ठीक है। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप जो है कॉमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं, ठीक है, उसके संबंध में, ठीक है। कोई भी अगर क्वेश्चन ऐसा है आप क्या, या आपके पास, अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हैं या टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े हैं, तब भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप वहाँ पे बेझिझक अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। ही हैज़ बीन गोइंग टू आगरा, आगरा जा रहा है वो फॉर मंडे। तो अगर जब बात करें, मैं सिंस की बात कर रहा था, अभी ध्यान दीजिएगा इसमें सिंस का यूज़ कहाँ होगा। जब किसी भी चीज़ का हमें नाम होगा, दिन का नाम दिया है, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, कुछ भी नाम दिया है तो सिंस लगेगा। मंथ का नाम है जनवरी, फरवरी, ऐसे करके, तब भी सिंस लगेगा। साल का नाम है, जैसे हमने कहा 2009 2010, ऐसे कुछ भी नाम दिया है तब सिंस का यूज होगा। तो यहाँ पे फॉर ना लग के क्या हो जाएगा? सिंस का यूज होगा। तो एरर हमारा इसमें है। और तो क्या करेक्ट हो जाएगा? आगरा फॉर मंडे, यानी कि ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है। फॉर की जगह किसका यूज होना है? सिंस का यूज होना है। इसके साथ साथ हमने सिंस और फॉर से रिलेटेड कुछ दो और एडवांस लेवल के वो डिस्कस किए थे। जब कभी आपको लास्ट दिख जाए, लास्ट आ जाए, लास्ट वन वीक ऐसे करके आ रहा है, वैसे तो फॉर अ वीक होता है ना, तो लास्ट वन वीक, टू वीक ऐसे आ रहा है, तो यहाँ पे आपको ड्यूरेशन लगेगी। लेकिन आपको इससे पहले क्या यूज़ करना है? सिंस यूज़ करना है। जब लास्ट आएगा तो उससे पहले सिंस, और द लास्ट आए तो इससे पहले क्या यूज़ करना है? फॉर का यूज करना है। जैसे एप्लीकेशन वाला फॉर्मेट हमने कितनी बार बताया, सिंस लास्ट नाइट करके हम लिखते हैं, सफरिंग फ्रॉम फीवर, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, ऐसे करके आपको याद भी होगा। और सिंस जब लास्ट आए तो सिंस लगाना है, द लास्ट आए तो फॉर का यूज करना है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास क्या कहता है? ऑन अ हॉलीडे सी प्रीफर वोटिंग देन राइडिंग। तो हॉलीडे को वो क्या करती है? प्रीफर करती है। जब प्रीफर यूज होता है तो प्रीफर के साथ देन का यूज नहीं होता है। तो क्या होता है? आपने ध्यान दिया होगा, प्रीफर के साथ यहाँ देन दिया है, देन ना होके क्या होना चाहिए? टू होना चाहिए। तो एरर हमारे इसी पार्ट में है। वोटिंग देन, देखिए देन राइडिंग वाला ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा, इसकी जगह टू राइडिंग होगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 13 नंबर का क्वेश्चन है, ही वॉज एस्टोनिस्ट। एस्टोनिस्ट हो जाना, आश्चर्यचकित हो जाना, वो आश्चर्यचकित हो गया विद हिज रिजल्ट। तो विद आएगा, क्या आएगा? फिक्स्ड प्रेपोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। एस्टोनिस्ट के साथ अगर बात करें तो एट का यूज होगा। किसका यूज होगा? एट का यूज होगा। तो यहाँ पर विद की जगह पे क्या आ जाएगा? इन प्लेस ऑफ विद वी विल यूज एट। तो विद वाला हमें दिया है, देखिए ऑप्शन नंबर बी है, तो यहाँ पे क्या होगा? एट का यूज होगा इसकी जगह पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है, दे ट्रेवल्ड ऑन शिप टू गो टू गोवा। तो दे ट्रेवल्ड ऑन, अब यहाँ पे शिप से उन्होंने ट्रेवल किया टू गोवा, गोवा के लिए, टू गो टू गोवा, गोवा जाने के लिए, ठीक है। तो क्या करेक्ट होगा, कहाँ पे यहाँ पे एरर है ये बताना है। तो बात करें ट्रेवल्ड, दे रखा है दे ट्रेवल्ड नहीं होगा, ऑन शिप होगा, ऑन शिप की जगह क्या होना चाहिए, ऑन ना होके ट्रेवल्ड बाई होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ट्रेवल्ड बाई होना चाहिए, ठीक है, ना कि ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 हमारा है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, इसके बाद जो बचे हुए क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ये प्रेपोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चन थे जो 15 क्वेश्चन यहाँ पे थे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो टेंस पे बेस्ड है। इट इज़ 6:00, 6 बज चुके हैं, ठीक है, विद माई वॉच। तो हमें बताना है एरर है कि नहीं है इसमें। इट इज़ तो करेक्ट है, ठीक है, 6:00 भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और विद माई वॉच जो है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा आंसर। विद माई वॉच ना होना, ना होके क्या होना चाहिए था, विद की जगह क्या होना चाहिए था, बाई माई वॉच होना चाहिए था। तो बाई प्रेपोजिशन यहाँ पे यूज होगा विद की जगह पे, ठीक है। तो कैसी लगी आपको वीडियो जरूर बताएगा, वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच।